केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिर से राबी पानी के मुद्दे को उठाया, तो आइए समझाते हैं आखिर राबी पानी का मुद्दा क्या है और कैसे भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। दरअसल पाकिस्तान बहकर जा रही राबी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। इसमें से 32,000 हेक्टेयर जमीन जम्मू कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से साल 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। परियोजना पर तकरीबन 2793 करोड़ रुपए भारत खर्च कर रहा है। सिंधु जल समझौते के अनुसार रावी नदी के पूरे पानी पर भारत का हक है, फिर भी रावी से कुछ पानी पाकिस्तान जा रहा था। शाहपुर कंडी बांध को रणजीत सागर से 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बनाया गया है। अब इस पानी को बांध बनाकर रोका जाना है और बांध बनकर तैयार है। जैसे ही एक बार पानी भरने का काम शुरू किया जाएगा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई जाएगी और उसके बाद इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें कठुआ, हीरानगर और सांबा की बंजर हो चुकी जमीन में सिंचाई होगी और खेतों में भी हरियाली लहलहाने वाली है। पंजाब की भी 5,000 हेक्टेयर जमीन को इससे फायदा होगा। 1989 में रणजीत सागर बांध के निर्माण के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को भी उनके हक का पानी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ के किसानों की आवाज किसी ने नहीं सुनी और अब जाकर इनका सपना साकार हो रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और अब पंजाब के शाहपुर कंडी क्षेत्र में रावी नदी पर बांध बनकर तैयार है और इसी वजह से फिर से आज केंद्रीय मंत्री ने इस बात को दोहराया। आपको बता दें कि इस बांध के बनने के साथ ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे और पाकिस्तान को आखिरकार भारत से भीख मांगनी होगी। जैसे ही भारत पानी रोकेगा, वैसे पाकिस्तान में सूखा और बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।